रजत जी भी हमारे साथ हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं। रजत जी, अस्पताल में आईसीयू के कमरे से लेकर होटल तक, दही लस्सी छाछ से लेकर पनीर तक, गुड़ से लेकर चीनी तक, शहद तक, चावल से लेकर आटा तक, नारियल पानी से लेकर चावल के आटे तक, सब कुछ महंगा हो गया है। और सावन का पहला सोमवार है, आपको भी सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, भोलेनाथ सब पर कृपा करें। लेकिन ऐसा लग रहा है सर कि भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना ही महंगा हो जाएगा, क्योंकि दही भी महंगी है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैं हम लस्सी और छाछ देते थे, वो भी महंगी हो गई है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रख लेता हूं। सबसे पहले वो चीज जो जान को कहते हैं, जान माल की खैरियत रखे, तो अगर हम आईसीयू पे आते हैं, सबसे पहली बात, प्राइम मिनिस्टर अपने माननीय मोदी साहब ने जो इंश्योरेंस होता है, चाहे आप इंश्योर्ड हैं या नहीं है, फिर जो प्राइम मिनिस्टर की जो अपनी स्कीम्स हैं फॉर इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस हैं, कवर्ड किया है आपने, वो प्रीमियम भरे हुए हैं, फिर चाहे आप सपोज आईसीयू की भर्ती की बात करें या बाकी चीज भरे, आपके जेब से वैसे भी नहीं जाना है कोई। अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं, जहां बेसिक खाने पीने का, वो मैं मान सकता हूं कि किसी हद तक प्रेशर आ रहा है, लेकिन मैं उसके ऊपर भी आता हूं। सबसे पहली बात, हम ये कह रहे हैं कि प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि प्राइसेस कुछ चीजों में क्यों बढ़ाए गए हैं, अगर हम टेट्रा पैक की बात करते हैं या हम ऐसे बात करते हैं जहां पे इनपुट जो टैक्स लगता है, क्योंकि टैक्स किसको पे करना होता है, जीएसटी, एंड कंज्यूमर, मतलब हम, लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी जहां इनपुट टैक्स ज्यादा था लेकिन आउटपुट टैक्स कम था, तो वो एनोमलीज थी कि टेट्रा पैक किया। अगर हम फिर भी मान लेते हैं कि हमें टैक्स भरना है, तो हमें दो तीन चीजें बेसिक रखनी है। सबसे पहली बात, अगर मैं सिंगापुर, इंडिया या किसी भी देश को कंपेयर करूं, जहां लोग अगर अगला पॉइंट ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में ही सबसे बड़ा जीएसटी है या सबसे ज्यादा जीएसटी, सबसे पहली बात, हिंदुस्तान में सिर्फ 2% आबादी ही टैक्स पे कर रही है, 98% नहीं कर रही है, लेकिन सिंगापुर या वहां पे देखेंगे आप 30% लोग टैक्स पे कर रहे हैं, 30% आपके रिटायर्ड हैं और उसके बाद भी 70% बाकी अपने टैक्स देते हैं। कहने की बात यह है, हम यहां पे ये सवाल तो उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट जीएसटी रेट हाइक कर रही है, लेकिन किस लिए? जीएसटी हाइक इसलिए हो रहा है ताकि जो पब्लिक सर्विस के लिए जो बाकी सोशल स्कीम्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, बाकी चीजें होती हैं, उसके लिए कॉर्पस रेज कर सके। जिस तरह ऑयल का प्राइसेस बढ़ गया है, क्या हिंदुस्तान की वित्तीय हालत के ऊपर या फॉरेस्ट रिजर्व्स के ऊपर नहीं पड़ा है? कहने का मतलब यह है कि अगर हमें सवाल उठाना है, तो तेल के दाम बढ़े हैं, ये बात सच है, लेकिन ये भी सच है कि रूस से लगातार हम तेल ले रहे हैं और सस्ते दामों में ले रहे हैं, पहले की तुलना में सस्ते दामों में ले रहे हैं, ज्यादा तेल ले रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं आपसे एक बेसिक सवाल, नहीं सर मैं आपके पास आ रहा हूं, सर मैं एक बेसिक सवाल पूछाता हूं। आपने बिल्कुल सही बात की कि हिंदुस्तान में लोग टैक्स कम देते हैं, लेकिन जो मेरे जैसा मिडिल क्लास इंसान है, वो ये समझना चाहता है कि आप गरीब लोगों के लिए योजनाएं बना देते हैं, जो आदमी टैक्स भरता है, बोझ भी आप उसी पर डालते जा रहे हैं, मतलब जो ईमानदारी से टैक्स जमा कर रहा है, ये सारा प्रेशर, इसलिए सवाल ये आज चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बार, नहीं नहीं सर एक मिनट, एक सवाल सुनिए, ये पहला मौका है जिन चीजों का नाम लिया मैंने, दही, लस्सी, छाछ, पनीर, गुड़, चीनी, इन पर पहली बार जीएसटी लग रहा है, तो इसलिए मिडिल क्लास समझना चाह रहा है कि भाई हम ही टैक्स दे रहे हैं, हमारे ऊपर ही मार हो रही है, हमारे लिए सोचा ही नहीं जा रहा, अमीरों को फर्क नहीं पड़ता, गरीबों के लिए योजनाएं हैं, मिडिल क्लास कहां जाए? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें एक चीज हो सकती है जो मैं इवन अपने एंड से नैतिक आधार पे मैं एक रिकमेंडेशन भी सरकार को दे सकता हूं और वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि सारी डिजिटाइजेशन हुई है। लेट मी पुट इट दिस वे, हर कोई टैक्स पेयर से, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है 2% टैक्स पेयर है, आपने जी टैक्स जीएसटी बढ़ा दिया या जो चीजें जीएसटी में नहीं थी आपने डाल दी, या तो गवर्नमेंट को ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि भाई जो आदमी टैक्स पेयर है या किसी भी तरह से बैकएंड में कोई भी आदमी टैक्स पेयर है और आप यूपीआई के थ्रू या किसी के थ्रू मिल्क एंड डेली प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी ले रहे हैं, आपको 1% का डिस्काउंट मिलेगा या वाउचर मिलेगा, दो चीजें होंगी। इससे आपको गवर्नमेंट को यह भी करना, अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई मैं जीएसटी इसलिए हाइक कर रहा हूं क्योंकि मुझे टैक्स या मनी मॉपअप करना है, तो देन दे कैन यूज इट एट टू टूल्स, एटलीस्ट इंसेंटिवाइज एंड गिव ए कैश बैक, जैसे पेट्रोल पंप्स के लिए हुआ था कि भाई आप ऑनलाइन डिजिटल यूपीआई से पे करो, आपको 1 रुपया 2 रुपया या 5% का कैश बैक मिलेगा। अगर हम जीएसटी की भी बात करते हैं, अगर जीएसटी के अंदर उनको जीएसटी बढ़ाना है, तो एटलीस्ट जो टैक्स पेयर हैं उनको इंसेंटिवाइज करके वो करें, और अगर उसके लिए कोई डिजिटल ट्रेल, पेमेंट का ट्रेल या कुछ होता है, ये चीज सिंगापुर में होती है, जिसको ये कहा जाता है कि जो मिडिल क्लास या लोअर इनकम क्लास है, अगर उसको सरकार इंसेंटिवाइज करना चाहती है, तो सिंगापुर में वाउचर मिलते हैं, वो वाउचर दिए जाते हैं। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट जो खाने पीने की चीजें हैं या बाकी चीजें हैं जिसके जो कि एक्चुअल नीड्स हैं, जिसके बगैर एक परिवार का खाना पीना नहीं चल सकता है, दे हैव टू लुक ए वे कि भाई जो टैक्स पेयर है, जिसका आईटीआर वाईटीआर फाइल है, सारी चीजें हैं, एंड वो डिजिटली पेमेंट कर रहा है, और पीछे इतना है कि आजकल वो हर एक इन्वेस्टमेंट जितनी हो रही है वो सारे की सारी पुल इन करके
लिस्ट आउट हो जाती है एंड इट इज नॉट ए बिगर थिंग कि जो अगर आदमी ऑनलाइन पे कर रहा है कुछ एक्टिविटीज की दे कैन फिगर आउट द फ्रेमवर्क फॉर दैट बट एटलीस्ट दे कैन हैव अ मैकेनिज्म. अतुल जी देखिए मैं इंसेंटिवाइज बैक. रजत जी मैं अतुल जी के पास जाऊं उससे पहले अतुल जी मैं आ रहा हूं के पास क्योंकि आज सवाल जो है वो इकोनॉमिक्स और वो थोड़ा बीजेपी को लेकर बात हो रही है इसलिए एक दो सवाल और पूछ ले रहा हूं मैं फिर आपके पास आता हूं मैं अगला सवाल लेकर मैं आता हूं सर आता हूं अतुल जी आपके बताता हूं. रजत जी जरा मुझे एक बात बता दीजिए जो बातें आप तर्क आप दे रहे हैं ये तर्क जब 2013 के पहले सरकार जब विरोध करती थी चाहे वो प्याज के दाम को लेकर हो टमाटर के दाम को लेकर हो सिलेंडर के दाम को लेकर हो उस वक्त ये खबरें बहुत बड़ी बन जाती थी. आज बड़ी मासूमियत से तर्क देकर ऐसा लगता है कि देखिए वो गुड़ा गणित आपने समझा दिया और उसको लेकर ऐसा लगता है कि देखिए कितनी तार्किक चीज है. ये तर्क पहले भी थे लेकिन अगर पहले वो विषय थे पहले वो मसले थे तो अब क्यों नहीं है. और जो रोजमर्रा की चीजें ये दूध दही पनीर चीनी शहद चावल आटा ये आदमी रोज कंज्यूम करता है सर. अब रोजमर्रा की चीजों पर अगर आप पहली बार लगा देंगे तो बात तो सीधी है ऑलरेडी इतने महंगाई का बोझ है सारी चीजों का ये भी एक अतिरिक्त मार है और ये बड़ा परेशान करने वाला है. देखिए मैं इसमें एक चीज से आपसे सहमत हूं जो रोजमर्रा की चीजें हैं दो चीजें इसमें मैं कह सकता हूं और ये हमें दुखता क्यों है मैं आपको ये भी बताता हूं. जो एटीसी के अंदर की जो शुरू की एग्जेम्पशंस थी या जिसको कहते हैं कि टैक्स वेवर वो लास्ट टाइम शायद 2014 में हुआ था या 2012 में हुआ था कई साल पहले कि भाई आपको यहां से यहां तक टैक्स नहीं लगेगा उसके बाद आपको 1.5 लाख का एग्जेम्पशन है फिर 50,000 का एग्जेम्पशन है ना. दुविधा ये है या हमें ज्यादा इसलिए भी लग रहा है कि पिछले 5 साल में 6 साल में खर्चे बढ़ गए हैं इन्फ्लेशन बढ़ गया सब कुछ बढ़ गया उधर से आपने जीएसटी भी लगा लिया. एटलीस्ट अगर आप यहां से जीएसटी लगा रहे हैं तो कम से कम जो आमदनी के ऊपर आप जो एग्जेम्पशन देते हैं उस एग्जेम्पशन की लिमिट को बढ़ाएं.